दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक चिकित्सा जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि शेयर की जा रही है। आप लोग अक्सर इस बात को सुनते चले आ रहे हैं सदियों से कि दमा दम से जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सही पॉजिटिव रूप से किसी काम को करने की दिल में इच्छा शक्ति रखी जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है, और खास तौर से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में तो ये बिल्कुल ही सत्य सिद्ध हो रहा है कि किसी भी बीमारी को अगर सही तरीके से प्लान करके किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर पेशेंट को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं, वाकई इस चिकित्सा पद्धति से जो एक तरह से समुद्र है, अगर वास्तविक रूप से हम दवाओं का सही इस्तेमाल करें और पेशेंट से भी खास तौर से कहा जाएगा कि वो भी सही से अगर दवा खाए तो कोई भी समस्या वाकई बिल्कुल ठीक हो रही है। और आज साक्षात रूप से ये साधना जी हैं, इनको लगभग कितने सालों से, आप अपने आप से बताइए, आपको जो जो परेशानी है। मेरे यहाँ आने से पहले आप ट्रीटमेंट कहाँ ले रहे थे? अच्छा, इनहेलर आप मतलब कितने बार लेते थे? मॉर्निंग में, दोपहर में, तीन बार इनहेलर लेते थे, दो पफ लेते। दोस्तों, ये अस्थमा के अगर देखा जाए तो बिल्कुल क्लाइमेक्स थी। दो बार तीन बार इनहेलर लेना, वो भी दो पफ लेना, वाकई एक छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, अब बताइए आपको, अब दवा मेरी कितना दिन की है? एक महीना। देखिए, ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे काम करती है। दोस्तों, होम्योपैथी का प्रिंसिपल आप लोगों को मैं बता दूं, टू रैपिड, टू जेंटिल, परमानेंट एंड डायनेमिक, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्लो एक्शन। आप लोग इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये धीरे धीरे काम करती है। हाँ, धीरे धीरे तब काम करेगी जब दवा का सही सिलेक्शन नहीं होगा, सही से हम दवा का डोज नहीं देंगे। अगर सही दवा दी गई तो आप लोग दोस्तों समझ लीजिए कि एक एक्शन होता है जिसको कहते हैं फ्लेकरिंग एक्शन। फ्लेकरिंग एक्शन का मतलब हो गया कि आग रखी हुई है, उस आग में जब हम किसी लकड़ी से जब उसको ऐसे करते हैं तो जो चिंगारी निकलती है, दैट इज नोन एज फ्लेकर। तो हमारी दवा का एक्शन भी ऐसे ही होता है, बस हमें सही दवा का सिलेक्शन और सही डोज की जरूरत है। कोई भी बीमारी अगर सही से प्लान किया जाए तो बिल्कुल ठीक होगी। अब आप ये बताओ कि दवा आप देखे हैं, इधर हमारे पर्चे के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप बीच बीच में दवाई भी लापरवाही कर रहे हो। और नहीं, ठीक है, वो भी एक तरह से देखा जाए तो सही है। अच्छा, लापरवाही के बावजूद क्या परेशानी आपको बढ़ी बीच में? मैं भरोसा नहीं था कि मैं ठीक हूँ। ये दोस्तों इतना मतलब त्रस्त थे एक तरह से, इनको
को दवाओं पे भरोसा नहीं था, ये भी लग रहा था कि यहाँ भी मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैंने इनको पहली बार ही कहा था कि विवेक जी का ध्यान रखना, दवा सही से खाना, मैं तुम्हें ठीक करूँगा। तो अब आप क्या कहना चाहोगे, आप होम्योपैथी के क्या कहना चाहेंगे, कल्याणम को क्या कहना चाहोगे? चलिए, मेरी शुभकामना, आप हमेशा स्वस्थ रहें, भविष्य में कभी भी कोई समस्या होगी आप बताइएगा। अभी हम थोड़ी सी दवा और आपको चलाएंगे कि आपका लंग्स की जो कैपेसिटी और बढ़ जाए, उसका जो है कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन का पावर और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए और उसमें मजबूती आ जाए। आप चलाइए। ये इनके सर हैं, हमारे बहुत ही शुभचिंतक है और इनकी ये छात्रा है, इन्हीं के द्वारा जो है ये मेरे यहाँ आई थी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आई थी, बच्ची बहुत परेशान थी, हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलती रहती है, सुबह ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करती है, 3 महीने की हमारे यहाँ बच्चों की जो कैंप आया नया, इसमें ये साधना लगी थी, एक लड़का था प्रखर अग्रवाल, वो भी बहुत परेशान था, उसको ब्लड इन्फेक्शन था पूरी तरीके से बॉडी के, उसको देखा पहले दिन बट नहीं मैंने और जैसे वो आया आपके पास उसको बड़ा रिलीफ मिला, लखनऊ का ही था और बहुत से डॉक्टर का ट्रीटमेंट कर रहा है, होम्योपैथ में भी कर ही रहा था, जब फिट हुआ फिर मैंने इसको आपके जी पास दे दिया, फिर क्या सर ये भी रातें आई आपके पास, लेकिन उसके बाद इसको बड़ा रिलीफ मिला, लेकिन उसकी और थी हमारा चीज़ी साबू करके वो वहाँ की थी, उसको भी बड़ा फायदा हुआ, वो भी ठीक हो गई भाई, और क्वालिटी दोस्तों आप लोगों का ऐसे ही प्यार हमको मिलता रहे और इस तरह का प्यार हमें कार्य करने के प्रति इतना एनर्जी पैदा कर देता है कि मेरा भी उत्साह बढ़ता है। तो मैं सबसे पहले अपने इष्ट देव बजरंगबली को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी कर रहे हैं हमें इस तरह की सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।